हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हैं। रवि, आपके पास प्रशांत भूषण का बयान है। आखिर ये जो राजनीति हो रही है इस विधेयक को लेकर, और स्वराज अभियान के नेता हैं प्रशांत भूषण, बड़े दिनों बाद वो सामने आए हैं, आखिर वो किन तथ्यों को रखकर इस जन लोकपाल पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली है वो ये कि अरविंद केजरीवाल अगर किसी मुद्दे को लेकर के अगर बैकफुट पे जा सकते हैं, या फिर अगर आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से बैकफुट पे जा सकती है, तो बस पे एक ही मुद्दा है। एक तो आपकी नई राजनीति जो कि चलती आई, हमेशा कहने कि नए हैं राजनीति में, इन्हें अभी पता नहीं है किस तरीके से क्या करना है। दूसरी चीज़ ये कि भ्रष्टाचार मुक्त आप हमेशा से कहते आए हैं, और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार विरोधी चीज़ों को लेकर के ही आप जो है सत्ता में आए हैं, और ऐसे में अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ आरोप लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जन लोकपाल बिल है आपने कहा था कि हम लाएंगे, पिछली बार 49 दिनों की सरकार में आप नहीं ला पाए, आपने इस्तीफा दे दिया, इस बार आपने 9.5 महीने लेट कर दिया, शुरू से आरोप लगते रहे आपके ऊपर, उसके बाद आप ला रहे हो। उसको लाने में भी जो एक समय में आपके दोस्त हुआ करते थे प्रशांत भूषण, कहा जाता है कि जब संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आप लेकर के आए हो इसमें कमी है। कमी ये कि जो अन्ना के आंदोलन से जन लोकपाल निकला था ये वो नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि उस टाइम जब बात हो रही थी वो देश के लोकपाल की बात हो रही थी, देश में केंद्र में जन लोकपाल किस तरीके से होगा, आप उसको तब्दील करके दिल्ली में ला रहे हो। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो पुलिस है वो केंद्र के पास है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, तो ऐसे में राज्य में ये चीज़ें सटीक बैठेगी नहीं, और सवाल जो है इनका भी जायज़ है। मैं एक बार बाइट सुनाना चाहूँगा कि इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है। बाद भी जब लोकपाल नहीं लाया गया और लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू करे, तो ये कहा गया कि भाई हमने लोकपाल बिल अपने कैबिनेट में पास कर दिया, ऐसा बिल बनाया है कि पहली बात तो लोकपाल बिल्कुल सरकार के कब्जे में रहेगा, अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, क्योंकि जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें 4 जनों में से 2 आदमी सरकार के हैं, चीफ मिनिस्टर और स्पीकर। देखिए, ये यहाँ पर एक बड़ी चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब जन लोकपाल बन रहा था तो वहां पर आए थे कि एक सिलेक्शन कमिटी बनेगी जो कि जन लोकपाल जो कि लोकायुक्त है और लोकपाल है उसकी नियुक्ति करेगी, उसकी नियुक्ति के पहले 8 लोगों की एक टीम होगी जिसमें एक आपके प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का जो नेता है जो प्रतिपक्ष का नेता माना जाता है लोकसभा में वो होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल खुद और दूसरी तरफ स्पीकर हैं। जाहिर सी बात है 67 विधानसभा सीटें आप जीत करके आए हो, 67 आप आपके MLAs हैं, उसके बाद विधानसभा स्पीकर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो आपके पक्ष में ही रहेंगे, यानी कि 2 जो है वो आम आदमी पार्टी के ही नेता हो गए कह सकते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप कह सकोगे कि हाँ हम भ्रष्टाचार मुक्त है क्योंकि आप ही उनको नियुक्त करोगे, और फिर अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या फिर ऐसा अगर आपको कभी लगता है भविष्य में कि आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप उनको हटा भी सकते हो। तो ये एक इन्होंने मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो इन्होंने उठाया वो ये कहा है कि आप इस जन लोकपाल के अंदर में जो जांच होगी उसके अंदर केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय अधिकारी भी आएंगे। यहाँ पे मामला फंसता है क्योंकि देखिए, जो दिल्ली में जो भी बिल पास होता है उस पर कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप करती है, क्योंकि आगे जाकर के पास होने के बाद वो केंद्र से भी पारित होना होता है, उसमें जो LG हैं वो भी हस्तक्षेप करते हैं। तो अगर आपके शुरू से ही विवाद चलता है LG को लेकर के, केंद्र से लेकर के, तो जिस तरीके से आप केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें लपेटना चाहते हैं जिस तरीके से कहा जाए, तो अगर आगे जा करके केंद्र सरकार इसको रोकती है तो फिर आप ये आरोप लगाओ कि केंद्र
हमारा साथ नहीं दे रही, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले से इस बिल को असफल होने के लिए ला रहे हो। 9.5 महीने तो आपने लेट किया, जब आपके ऊपर आरोप लगे तो आप लेकर आए, अब लेकर आप नहीं लाए, आप चाहते हैं कि ये हम लाएं और केंद्र सरकार मना कर दे और फिर ये बिल लटक जाए। कुल मिला के कहानी ये कि हम करना चाहते हैं जी, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, ये इनका कहना है जो प्रशांत भूषण है जो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पे। लेकिन ये अचानक जो है जन लोकपाल का मुद्दा बीच में आया कहाँ से, क्योंकि खबरों में नहीं था। प्रशांत भूषण स्वराज जो अभियान है उसके नेता हैं, स्वराज अभियान चला रहे हैं, ये एक ऐसी विंग है जो आम आदमी पार्टी से काले अब मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ। तो ये क्या इनिशिएट लेने वाली बात है, मौका है, राजनीति है, क्या है ये? अचानक ये जन लोकपाल का मसौदा बीच में आया कैसे, क्यों प्रशांत भूषण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो राजनीति है उसका दूसरा नाम मौका है। मौका इसलिए क्योंकि 30 नवंबर सोमवार को जैसे ही विधानसभा खुलती है वैसे ही पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल जो है वो बिल लेकर के। और बिल वो पास करवाना चाहते हैं, पास इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको आरोप लगते हैं 49 दिनों में वो नहीं करवा पाए। उसके बाद जब आए तो अन्ना हजारे ने भी एक बार उनके ऊपर सवाल उठा दिया कि आप कहाँ गया आपका जन लोकपाल का मुद्दा। क्योंकि एक बड़ी बात ये कि जब ये दूसरी बार चुनाव लड़ने आए थे अभी दिल्ली में और ये जीते हैं तो उस वक्त जन लोकपाल का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह गया था और इनसे बार बार बोला जा रहा था कि आप 72 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो लाए थे, ये आपको याद होगा, उन 72 पॉइंट्स में आपके जन लोकपाल कहाँ है, ये चीज़ इनसे पूछा जा रहा था। क्योंकि जनलोकपाल पे इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था उसके अंदर कायदे से जो देना चाहिए, तो उसको लेकर के इनके ऊपर जो है सवाल उठ रहे थे। उसके बाद अभी बीच में कुछ दिनों से मुद्दा अटका हुआ था, लेकिन जब ये एनी की मीटिंग हुई है संयोजक के लिए, जो आम आदमी पार्टी उसके संयोजक पद के लिए मीटिंग हुई थी, तो उस समय भी बवाल मचा था। जो स्वराज अभियान के जो खेमे के ये लोग हैं जिनको निकाला गया था, तो इनको एक मौका मिल गया है कि अब जो है ये जन लोकपाल बिल लेकर के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका विरोध किया जाए। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए अभी एक और नया मोर्चा है और जन लोकपाल फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको एक और खबर हम बताएंगे और वो खबर है हरियाणा से जुड़ी हुई। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, महिला एसपी से तीखी नोकझोंक हुई। मुद्दा क्या है, एक ब्रेक के बाद पूरी खबर की पड़ताल। आप देखते रहिए JK चैनल पर न्यूज़ रूम लाइव।